नासरीन खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां एबीसी न्यूज़ के तहसील नुमाइंदा फारूक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहीम यार खान शेख सैद हस्पताल आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहला फेज है आपके हॉस्पिटल का, रहीम यार खान का जो रेडी हो गया है। आज अभी ओपीडी, सीसीयू और गायनी, ये तीन है जो आज हम ख़त्म कर लिए हैं और इनको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब इसका कॉस्ट आई है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा लोगों को, अल्लाह ना करे लोगों को हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन एक दफ़ा आके अपने हॉस्पिटल की शक्ल इस टाइम ज़रूर देखें कि आपका हॉस्पिटल रहीम यार खान का किस हालत में आपको मिलेगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बेहतर होगा, किसी से कमतर नहीं होगा रहीम यार खान में, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। और अभी इसके जो बाकी रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, कुछ हैं जो 28 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा रहीम यार खान के लोगों को बहुत मुबारक हो कि ये इस हालत में हॉस्पिटल आ गया है। अब यहाँ की इंतज़ामिया और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब इसको किस हालत में रखते हैं। तो सबको जिन्होंने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर को भी, सीएनडब्ल्यू की टीम को, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला इसको इसी तरह रखे, इसी तरह रखें कम से कम। बहुत शुक्रिया। मेरा सर क्वेश्चन ये आपसे कि आपने सर्व किया सीएम पंजाब और आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, आपने मुझे उम्मीद है वो मेरे से बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपके पंजाब के इतने दौर में जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ, आप क्या समझते हैं कि पंजाब की हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? देखें, इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमने उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन को तमाम अमला उनके सपोर्ट कर दिया था और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और इख्तियार इस्तेमाल किया, हम जो जिस तरीके से असिस्ट कर सकते हमने असिस्ट किया। सर एक क्वेश्चन है, सर ये जो बिल्डिंग आपने अभी बात कर रहे हैं इसका, ये पुरानी बिल्डिंग है, इसको पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया, ये बहुत अच्छी बात है हम शहरों के लिए, लेकिन किसी की बैक साइड पे पूरा अस्पताल जो है वो 20-30 मिनट के खड़े काट दिया गया, वो 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन एक आरएमएस कॉन्ट्रेक्टर है जो 2 अरब रुपए ले जा चुका है, अगली हुकूमत करेगी, मैंने जो काम करना था मैं कर दिया। नाज़रीन, आपने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, मज़ीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़ पाकिस्तान।